हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको अब देखने की स्टेज पे इतनी रात को इतने वर्मा मैंने कहीं स्टेज पे नहीं देखा है। बड़ी खुशी हो रही है कि वो हमारा एक रात है जिनके ताल्लुक से अगर मैं आपसे कुछ कहूँ या कोई दूसरे लोग कहें तो उनकी बातों में कंफ्यूजन की गुंजाइश हो सकती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस जमाने में कोई भी हो, वक्त का मुखिया हो, समाज का प्रधान हो, इलाके का विधायक हो, जिले का MP हो, देश का सदू सुदूर हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उनकी अलग पहचान होगी जब वो गांव में गुजरेगा, उनकी अलग शान होगी जब रास्ते से जाएगा। क्योंकि एक राष्ट्रपति की शान ये होगी कि उनके पीछे 50 गाड़ियां, आगे 50 गाड़ियां होंगी। एक मुखिया की पहचान होगी कि उनकी गाड़ी में मुखिया और उसके ग्राम पंचायत का नाम के साथ एक नंबर प्लेट के तरह प्लेट लगा होगा ताकि लोग जान जाए कि ये फलाने ग्राम पंचायत का मुखिया है। एक विधायक जिस रास्ते से गुजर जाए तो आदमी समझ जाता है कि विधायक जी की गाड़ी है। एक लाल बत्ती की गाड़ी में बैठने वाला जब DM जाता है उनकी अलग पहचान, उनकी अलग करामत, उनका अलग स्टेटस होता है। मगर जो मकाम, जो मर्तबा, जो मनसब, जो स्टेटस, जो हैसियत अल्लाह ने इन उलमा इकराम को अता फरमाया है इसके ताल्लुक से मिश्कात पाक की एक हदीस काफी है। सरकार फरमाते हैं, सरकार कहते हैं अहले السماوات والارض حتى لم نكافي جهرها وحتى الحوت في الماء ليسلون على معلب الناس الخير exactly who lives on the highway and who lives on the earth as well as earth from the hole and fish from sea all of them pray to Allah Almighty for the pardon of the person who preaches the common man who guides the common man who teaches the common man yani nabi farmate hain ki beshak zameen aur aasman ki sari cheezein yahan tak ke samandar se machhliyan surakhon se chutiyan inke liye waqt ki dua hai के लिए जो लोगों को भलाई की बात बताते हैं, जो लोगों को अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं, जो लोगों को हराम और हलाल का डिफरेंस बताते हैं, जो लोगों को उनके खोए हुए रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश कभी मस्जिद से, कभी मदरसे से, कभी जलसे से करते हैं। मगर क्या किया जाए, एक मुसलमान होने के बाद भी आज अपने ही समाज के, अपने ही माशरे के दायित्व को बने मुसलमान के सामने सबसे बड़ी पूजन ये है कि आज उनका मौन भी चिंता देने के लिए क्यों आया है। एक मुसलमान आज अपनी पहचान बिगाड़ने के लिए एक तो हजारों कोशिशें उन्होंने की मगर एक उनकी सबसे नाकाम कोशिश ये हुई कि वो आज अपनी ही मस्जिद के इमाम साहब को हटाने के लिए, गाली देने के लिए, उलमा को परेशान करने के लिए आज सबसे पहले संसद में खड़ा है। यानी एक ये जमाना ऐसा है जिस जमाने में सारी दुनिया महसूस कर ली है कि हमको इस्लाम के बढ़ते हुए कदम को रोकना है। क्यों आज इस्लाम दुनिया में तरक्की कर रहा है, एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई ना कोई खैर मुस्लिम इस्लाम की हकानियत को समझ कर कलमा मत पढ़ता हो। एक ऐसी रात न होती जिस रात को कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा इंजीनियर, बड़े से बड़ा प्रोफेसर इस्लाम की सच्चाई को जानकर, कुरान की हकानियत को समझकर वो कलमा न पढ़ता हो। यही एक तकलीफ उनके दिल में चुभ गई। अब वो सोचने लगा कि कैसे मुसलमान को परेशान किया जाए, कैसे इस्लाम को दुनिया से मिटाया जाए। तो उन्होंने बहुत सारे हरबे अपनाए, उसमें से एक हरबा उनका ये भी है कि उलमा दीन को यानी मुसलमानों के रहनुमाओं को तबाह बर्बाद किया जाए, उनको हरासा किया जाए, उनके मदरसे में छिकी के नाम पे तबाह सबक वो मदरसा जहां पर एंड्रॉइड मोबाइल के इस्तेमाल की पाबंदी होती है। आज हमारे इस मुबारक दरसगाह को चेकिंग के नाम पर वहां के उलमा और तौबा को परेशान करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है, वो सोच रहे कि जब उलमा तबाह होगी तो इस्लाम तबाह होगा, उलमा की तरफ भी रुकेगी, मुसलमानों की तरफ भी रुक जाएगी। अब उनकी इस कोशिश में आज हम भी उसका हिस्सा बन रहे हैं, आज मुसलमान भी उनकी तहरीक का हिस्सा बन के उनको कामयाब